जिन्होंने हिंसा की साजिश रची अब वो बेनकाब भी हो रहे हैं। आईजी कानून व्यवस्था का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि पीएफआई के 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आपराधिक गतिविधियों में ये लिप्त थे। पीएफआई पर पहले ही हिंसा फैलाने का आरोप है, आपराधिक गतिविधियों के चलते ये अरेस्टिंग की गई है। प्रवीण कुमार ने पीएफआई पर यह जानकारी दी है। भारत समाचार ने पीएफआई पर सबसे पहले महाखुलासा किया था और अब धीमे धीमे परत दर परत पीएफआई की सच्चाई एजेंसियों के सामने भी आ रही है और अब यहां पर एक्शन भी दिख रहा है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के बारे में स्पष्ट बात है तो उसमें एसएसपी लखनऊ के द्वारा जो प्रेस ब्रीफिंग की गई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था और उसका एक विस्तृत प्रेस नोट आपको पहले ही दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में विभिन्न जनपदों में 25 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें हुई है जो इस संगठन से जुड़े हैं, जो कि किसी विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के कारण तक 25 की है। जो उपद्रवी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, एक तरीके से इसके पीछे एक साजिश थी पीएफआई की, और पीएफआई सिमी का एक नया रूप है क्योंकि सिमी हमारे देश में एक आतंकी संगठन पहले से ही डिक्लेयर है। तमाम चीजों के बाद सीएए का जब आंदोलन की बात आई तो आंदोलन न करके एक आराजक और भयानक रूप देने का काम जो किया है वो पीएफआई ने किया है, और पीएफआई इसमें वही लोग हैं जो आतंकी संगठन सिमी से जुड़े हुए थे